हूँ आपके साथ कविता राणा। कोरोना से देश में हाहाकार मचा हुआ है और भारत में ही लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ देश में अर्थव्यवस्था चरमा गई है। इसी बीच सरकार अब देश के हर सेक्टर को खोलने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक बड़ी घटना घटी। जी हाँ, करीब 20 दिनों के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 41,000 की तरफ तेजी से बढ़ रहा था सेंसेक्स, घटकर 39,700 के स्तर पर पहुंच गया है। निफ्टी भी 11,660 के स्तर पर पहुंच चुकी है और इसमें 300 अंकों के करीब गिरावट आई है। सेंसेक्स 1,066 अंकों की गिरावट के साथ 39,728 के स्तर पर बंद हुआ है और निफ्टी 290 अंकों की गिरावट के साथ 11,680 पर बंद हुआ। अब खबरों के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन में निवेशकों के तकरीबन 3.3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप घटाकर अब 157.22 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। सेंसेक्स की 30 में से एकमात्र एशियन पेंट्स के शेयर ग्रीन जोन में बंद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान बजाज फाइनेंशियल सर्विस, टेक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक के शेयर को हुआ है। इनके शेयर में 4% और उससे ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब शेयर बाजार के जानकारों की माने तो अमेरिका बहुत जल्द दूसरे राहत पैकेज का ऐलान करेगा। हालांकि इन संभावनाओं पर फिलहाल पानी फिर गया है, जिसके कारण बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन फिर से चर्चा में है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक प्रस्ताव डाला है जिसमें चीन के एंट ग्रुप, जिसे अलीबाबा कहते हैं, उसे ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डालने की अपील की गई। अलीबाबा फिलहाल IPO लाने की तैयारी कर रही है और पिछले 3 हफ्ते से शेयर बाजार में लगातार तेजी थी, लेकिन बीच में 29 सितंबर को छोड़ दें तो 25 सितंबर से सेंसेक्स लगातार तेजी के साथ बंद हो रहा है। 24 सितंबर को सेंसेक्स तकरीबन 36,553 के स्तर पर बंद हुआ और 14 अक्टूबर को ये 40,794 के स्तर पर बंद हुआ था। पिछले 3 हफ्ते में इसमें 4200 से ज्यादा अंकों का उछाल आया। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका से मिलने वाली सूचना ने भारतीय शेयर बाजार पर धावा बोल दिया है और उसी कारण शेयर बाजार में भगदड़ मच गई है।